हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 15 तारीख है, दिसंबर भी कैसे बीतते जा रहा पता नहीं चल रहा। अब नए साल की तैयारी शुरू। नवी मुंबई में क्या है, ठंडा ही नहीं पड़ता है यहाँ। ठंडा जनवरी के लास्ट में हल्का बहुत पड़ता है, लेकिन स्वेटर पहनने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आज मैंने सरसों का साग बनाया है। सरसों के साग में सरसों, पालक और बथुआ डाल करके इसका उसको उबाल लिया और ऊपर से सीटी मार रही हूँ। आज रात में मक्के की रोटी और सरसों का साग बनेगा। आज सुबह सुबह यहाँ हरा चना का झाड़ लेके आई, 20 रुपये में एक झाड़ दिया, मतलब इतना सारा 20 रुपये में दिया। ये सब खाओ तो बिहार की याद आ जाती है। इस समय तो बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये हमारा साग बन करके तैयार है। हर बार की तरह सरसों का साग और मक्के की रोटी हम और ये ही खाएंगे। बच्चे लोग को तो ये सब चीज़ पसंद ही नहीं है। मेरा रोज़ सुबह 5:45 में उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को मॉर्निंग स्कूल रहता है, तो टिफ़िन नाश्ता बनाना ये सब मेरा काम है। सुबह जल्दी जल्दी, बच्चे क्या है लेट से सोते, तो जिस सुबह जल्दी उठने बहुत मशक्क़त करना पड़ता है। फिर सुबह इन लोग को स्कूल, ये मेरे हस्बैंड छोड़ के आते हैं, फिर हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। यहाँ 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, मतलब सुबह में जो मॉर्निंग ठंडा थोड़ा हल्का लगता था वो भी नहीं लग रहा है। यहाँ पॉल्यूशन इतना है कि घर में धूल धूल हो, पूरा पैर काला हो जाता है। चलो तो अभी सारा काम वगैरह कर करके बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं। इन लोग का 12:30 बजे तक में घर आ जाते बच्चे लोग। बच्चे लोग आएंगे फिर उसके बाद आगे का दिनचर्या शुरू होगा मेरा। बच्चों का अभी, छोटे बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है अभी, बैक टू बैक दोनों बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। जब भी मेरा मन अशांत होता तो मैं ही आके बैठ जाती भगवान के पास, बहुत शांति मिलती है। कुछ दिन पहले मैंने मिर्ची का अचार भी बनाया, जो बहुत चटपटा बना है। मिर्ची के साथ मैंने लहसुन भी डाल दिया है। मिर्ची के अचार में सारा मसाला मैंने घर का जो जो पड़ता है सब पीस के डाला, और यहाँ डीमार्ट में बना बनाया मसाला भी मिलता है अचार का। थोड़ा सा उसको डाल देने से क्या हो जाता है, चटपटा हो गया एकदम से। मतलब मैंने जितनी बार भी अचार बनाया है उसके बाद से और भी अच्छा बनते जा रहा है। ये मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, अपने पापा पे बिल्कुल गई है। यहाँ क्या डीमार्ट है, तो डीमार्ट में सारा सामान फ्रेश और सस्ता मिल जाता है। मकई का आटा, राइस आटा, यहाँ तो ऐसे ठंडी नहीं, लेकिन ये सब फिर भी हम लोग खाएंगे। आज अमरूद भी खरीद के लाया, 80 रुपये केजी दिया। यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। ये जो सामने में गाड़ी चल रही है वो मुंबई पुणे हाईवे है, 2400 घंटा गाड़ी चलते रहती है। खूबसूरत अभी तो बाहर इतनी गर्मी है कि बाहर निकल ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ही जलन वाली गर्मी है। चलो दोस्तों, फिर किसी और दिन मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।